नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेज पर। और आज की शाम की इस एग्रोनॉमी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, शुगर केन गन्ना के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, जुड़ जाइए, फिर हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है और एक मेजर क्रॉप है, जहां से काफी क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, और हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए दोस्तों, फिर हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। कमलेश आ चुके हैं, कमलेश जाट गुड इवनिंग, डियर जयप्रकाश गुड इवनिंग, आरडीएक्स गुड इवनिंग, कप्तान गुड इवनिंग, सना शर्मा गुड इवनिंग, उषा गुड इवनिंग, निर्मा गुड इवनिंग। ओके, काफी आ चुके हैं, जल्दी से आ जाइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना, फिर हम शुरू करते हैं जल्दी से। एक मिनट और वेट करते हैं, अपने बाकी भाई लोग आ जाते हैं, फिर हम इसको शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बाकी कैसे हो सभी, बढ़िया? आज की अच्छी पढ़ाई हुई? आज दिन की जो क्विज थी वो आपने अटेंड की ना? अच्छा लगा क्विज को, क्वेश्चन को? और अगर बाय चांस क्विज मिस हो जाती है तो मैं उसको अपलोड कर दिया करूंगा, लेकिन वो शायद ही अपलोड किया करेंगे, क्विज को आप हैंड टू हैंड भी देखना। दो अभी आज की तो हम अपलोड कर दें, तो जो बच्चे नहीं देख पाए थे क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, तो वो उसको आज देख सकते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरू करने वाले हैं थोड़ी ही देर में, बस एक मिनट के अंदर हम आज की इस क्लास को। जब तक जल्दी से जुड़ जाइए, सभी कनेक्ट हो जाइए। आज हम शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर। चलिए शुरू करें क्लास आज की। एक बार जल्दी से कमेंट में यस लिखकर भेज दीजिए, अगर सभी एक्टिव हो, आप सभी को आवाज सही आ रही है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और आप सभी रेडी हो, तैयार हो, तो मुझे कमेंट में यस लिखकर भेज दीजिए दोस्तों, फिर मैं शुरू करता हूं आज की इस क्लास को। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, मुझे कमेंट में यस लिखकर भेज, जिन जिन बच्चों को तरफ आवाज पहुंच रही है। ओके, आंसर आ चुके हैं आप सभी के, सभी रेडी हो, तैयार बैठे हो? चलो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की इस क्लास में हम शुगर केन गन्ना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका वानस्पतिक नाम जो होता है, बॉटनिकल नेम होता है सैकेरम ऑफिसिनेरम, हिंदी में भी लिखा हुआ है सैकेरम ऑफिसिनेरम। क्या नाम होता है इसका? वानस्पतिक नाम होता है सैकेरम ऑफिसिनेरम। इसका जो कुल होता है, जो फैमिली होती है गन्ने की, वो होती है ग्रेमिनी या पोएसी। ठीक है, गन्ने की फैमिली भी ग्रेमिनी या पोएसी होती है। जैसा कि हम सभी ने सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, सीरियल क्रॉप जो थी, ठीक है, 6 सीरियल क्रॉप होती है, खाद्यान्न फसलें, वो भी ग्रेमिनी कुल से आती है, और गन्ना भी ऑल्सो ग्रेमिनी कुल से ही आता है। इसका जो उद्भव स्थान है वो न्यूजीनिया है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है गन्ने के अंदर 2N = 80 होती है, 80 होती है। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है, पहली बात तो हमें ये याद रखें। ठीक है, बहुवर्षीय फसल है, बाइनियल क्रॉप है, और पुष्पक्रम, गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं। ठीक है, ओपन पेनिकल भी कहते हैं, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। ये याद रखना दोस्तों, ये आपके जेट एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो एरो कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वितरण के बारे में बात करते हैं। गन्ने का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ब्राजील फर्स्ट स्थान पर है और भारत का सेकंड स्थान है, है ना? भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है और महाराष्ट्र सेकंड है। महाराष्ट्र फर्स्ट किस्म है, महाराष्ट्र फर्स्ट है, सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं, नींबू वर्गीय जो है, संतरा हो गया है ना, उन सब में प्रसिद्ध है नींबू संतरा मौसमी, उनमें महाराष्ट्र फर्स्ट है। लेकिन गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश यूपी जो है फर्स्ट है। उत्पादकता की बात करते हैं, गन्ने की उत्पादकता, तो गन्ने की उत्पादकता तमिलनाडु की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, राजस्थान में बूंदी में, और बूंदी के बाद फिर आता है गंगानगर में, से ज्यादा होती है। गन्ने के फूल जो है वो 300 से 350 दिन बाद आते हैं। ठीक है, 300 से 350 दिन बाद में गन्ने में फूल आने लगते हैं, और ये एक मतलब लंबी क्रॉप है, बहुवर्षीय क्रॉप है, ये 2 या 3 साल तक चलती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, शुगर केन रिसर्च सेंटर जो है कहां पर है? लखनऊ के अंदर है।
ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है और गन्ना प्रजनन केंद्र गन्ना कोयम्बटूर के अंदर है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। भारतीय गन्ना अगर इंडियन की बात की जाती है तो लखनऊ में है और गन्ना प्रजनन केंद्र जो है वो है कोयम्बटूर के अंदर है और भारतीय चीनी अनुसंधान जो है वो कानपुर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें हम बात करते हैं अब इसमें अंकुरण के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट, ठीक है, जलवायु के बारे, सॉरी जलवायु के बारे में बात करते हैं, जलवायु किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है इसको, क्लाइमेट किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है। अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है और कल्ले फूटते समय 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वृद्धि होते समय 29 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस प्रकार से गन्ना जो है वो एक C4 प्लांट है, याद रखना मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जब हमने शुगर केन मेज बाजरा पढ़ रहे थे पिछली सारी क्रॉप में हमने ट्रिक बताई थी कि SMS और B याद रखना है, ठीक है। SMS मतलब शुगर केन मेज और सोरगम, शुगर केन मेज और सोरगम ये सभी कौन सी हैं और B4 बाजरा ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये सारी क्रॉप जो होती हैं वो C4 टाइप के प्लांट हैं, ठीक है, C4 प्लांट हैं, पौधे हैं और लघु दिवसीय पौधा है ना, लघु दिवसीय पौधा है। चलिए आगे हम बात करते हैं, मेन जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है गन्ने का वो है हमारा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ठीक है। गन्ना जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः गन्ना चार प्रकार का होता है, कौन कौन सा, फर्स्ट है सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं या फिर जो नॉर्मली होता है सैकेरम ऑफिसिनेरम होता है, इसे नोबल गन्ना भी कहते हैं, इसे एस वेक्टेरम ने तैयार किया था और इसमें चीनी ज्यादा होती है और रेशे की मात्रा कम होती है, फाइबर जो होता है वो कम होता है इसके अंदर, ठीक है। गन्ने के अंदर दोनों चीजें होती हैं, फाइबर कंटेंट भी होता है और शुगर कंटेंट भी होता है, चीनी की मात्रा भी होती है। तो ये जो गन्ना है इसमें, क्योंकि गन्ने का मेन पर्पज क्या है हमारा, शुगर कंटेंट, ठीक है, शुगर प्रोडक्शन, तो चीनी ज्यादा होती है इसमें और जो रेशा है वो कम होता है, इसे नोबल केन भी कहते हैं, जो जनरली हम इसको यूज करते हैं वो यही वाला है सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड आता है सैकेरम बारबेरी, जिसको हम भारतीय गन्ना भी कहते हैं, सैकेरम बारबेरी भारतीय गन्ना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका तना मोटा होता है और रेशा इसके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। देसी गन्ना जिसको हम बोलते हैं भारतीय गन्ना है, इसका तना जो है वो मोटा है लेकिन इसमें रेशा ज्यादा होता है, इसके अंदर रस की मात्रा कम होती है, शुगर की मात्रा जो है वो कम होती है। तीसरा प्रकार आता है हमारा सैकेरम स्पॉन्टेनियम, सैकेरम स्पॉन्टेनियम जो हमारा जंगली गन्ना है, ठीक है, जंगली गन्ना है जो हमें काम में नहीं आता, उसके अंदर शुगर कंटेंट नहीं होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है सैकेरम साइनेंसिस जो चाइनीज गन्ना है, ठीक है, सैकेरम साइनेंसिस चाइनीज गन्ना है। तो गन्ने का वर्गीकरण, शुगर का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप से है, 4 टाइप से है। गन्ने कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्गीकरण गन्ने में भी है, मक्का में भी है, गेहूं के अंदर भी है, ये मेजर क्रॉप है जिनके वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सभी के जितने भी क्रॉप है, चाहे वो मेज हो या शुगर कैन हो या वीट हो या बार्ली का भी है, ठीक है, तो उनके नेम जरूर याद रखना दोस्तों, कभी कभी नेम उनके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हम गन्ना पढ़ रहे हैं तो गन्ने को रिवाइज करते हैं, इसके चार होते हैं, चार प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सैकेरम ऑफिसिनेरम, जिसे नोबल केन भी कहते हैं, नोबल गन्ना भी कहते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। नोबल केन भी कहते हैं सैकेरम ऑफिसिनेरम को। सेकंड है सैकेरम बारबेरी, ठीक है, जिसको हम भारतीय गन्ना भी कहते हैं। सैकेरम स्पॉन्टेनियम को जंगली गन्ना भी कहते हैं और सैकेरम साइनेंसिस को चाइनीज गन्ना भी कहते हैं। तो सभी गन्ने के देखिए कॉमन नेम भी हैं, तो वहां पर कॉमन नेम भी दे सकता है, उससे हमें उसका बॉटनिकल नेम याद होना चाहिए। अगर वो पूछता है कि नेम में से नोबल केन है, नोबल गन्ना कौन सा है, तो सैकेरम ऑफिसिनेरम को टिक करता है। अगर इंडियन केन की बात करता है, भारतीय गन्ने की बात करता है, तो सैकेरम बारबेरी, ठीक है। अच्छा, याद कैसे कर सकते हो, मैं थोड़ी सी ट्रिक बताऊं। हमारे भारतीय समाज में क्या होता है, हमारे दादा परदादी जी को बाबा बोलते हैं ना, हाँ बाबा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा है ना। तो बारबेरी मतलब बाबा, ठीक है, सैकेरम तो लग ही रहा है सबके सामने, बारबेरी, इस प्रकार से आप कुछ भी मतलब बढ़ा लो ताकि इंडियन से वो रिलेट कर जाए, ठीक है। स्पॉन्टेनियम यहाँ पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियम मतलब स्पोर्ट पे उग रहा है, स्पोर्ट में मतलब वो जंगल में जाकर उग रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो, तो वो जंगली गन्ना हो गया। और साइनेंसिस मतलब चाइनीज, देखो इसमें नाम ही चाइनीज जैसा लग रहा है, चाइनीज, ठीक है, तो चाइनीज चाउमीन वगैरह खाते हैं ना हम, तो चाउमीन मतलब साइनेंसिस, तो चाइनीज गन्ना है। तो इस प्रकार से आप चारों को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। दो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम दे रहा हूं, आपको याद रखने हैं चारों के नाम, क्वेश्चंस इसके बनते हैं। चलिए अगेन हम बात करते हैं इसमें किस्मों के बारे में, बात करते हैं वैरायटीज के बारे में, बात करते हैं कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो एक सेकेंड, इसका एक कट गया है, ओके ना हो गए। हाँ, किस्मों की हम बात करते हैं, वैरायटीज की हम बात कर रहे हैं, तो वैरायटीज में सबसे पहले जो आता है वो है हमारा इसमें
CO419, ठीक है, इसे आश्चर्यजनक गन्ना भी कहते हैं, वंडर कैन भी कहते हैं, क्योंकि चीनी की मात्रा इसके अंदर, शुगर की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, CO419, ठीक है, CO419 इसके अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। और वैरायटी जितने भी, एक राज की बात यह है कि जितनी भी वैरायटी है गन्ने की उन सबके आगे CO लग रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो CO से रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम वैरायटी है वो सारी की सारी किसकी है, गन्ने की है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस आगे सब इसमें नाम अलग अलग दे रखे, जैसे 419 हो गया इसमें, इसमें CO205 हो गया, CO997 हो गया, CO449 हो गया, CO111 हो गया, इसमें CO66 हो गया, CO17 हो गया, CO975 जो गुड़ बनाने के काम आती है। इस प्रकार से जितनी भी CO की किस्में हैं वो सारी की सारी किसकी हैं, शुगर कैन की हैं। उत्परिवर्तन से तैयार की गई किस्में कौन कौन सी हैं, एक तो है CO8152 और 8153, ठीक है, 81, 52, 81, 53 जो है वो उत्परिवर्तित किस्में हैं, म्यूटेंट वैरायटी हैं शुगर कैन की। उसके बाद में रेटून या पैडी के लिए किस्में कौन सी होती है, रेटून या पैडी नहीं समझते हो, रेटूनिंग की प्रक्रिया किसके अंदर की जाती है, ये क्वेश्चन आता है। रेटूनिंग किसमें होती है, शुगर कैन के अंदर होती है। क्या होती है रेटूनिंग की, जब गन्ने की फसल को हम उगाते हैं उसको काट देते हैं तो उसके बाद में वो अगेन उगने लग जाती है, ठीक है, वापस उगने लग जाते हैं गन्ने के पौधे, तो उसको हम बोलते हैं रेटूनिंग की फसल, ठीक है, दोबारा उस फसल को लेते हैं उसको रेटूनिंग की फसल बोलते हैं, जो किसके अंदर होती है, रेटूनिंग गन्ने के अंदर होती है। तो रेटूनिंग के लिए कौन कौन सी किस्में हैं कि भाई हम बाद में भी फसल ले सकते हैं एक बार काटने के बाद में, वो है CO1148, CO419 और CO740। इस प्रकार से ये हमारी जो किस्में हैं वो रेटूनिंग के काम में ली जाती हैं, ठीक है। तो बस मेजरली हमें ध्यान ये रखना है कि शुगर केन की वैरायटी जिनमें CO लगा हुआ है वो शुगर केन की वैरायटीज होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, शीट से जो क्वेश्चन आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, मेंशन कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन आता है। सीड रेट की बात करते हैं, बीज दर की बात करते हैं, गन्ने की बीज दर कितनी होती है, किस प्रकार से होती है। गन्ने के लिए 10 माह पुराने गन्ने की फसल की आवश्यकता होती है, 10 माह पुराना गन्ने की फसल हम काम में लेते हैं, ठीक है, क्यों लेते हैं, उसका रीजन है क्योंकि टॉप डोमिनेंस क्या होता है, पहले इसको जानते हैं कि ऊपर वाले भाग में हार्मोन नीचे वाले भाग की तुलना में आकर अंकुरण रोक देते हैं, इससे नीचे के भाग की गलियों में फुटान जो नहीं होता है, तो गन्ने के लिए हम ऊपर वाला भाग लेते हैं, तो ऊपर का 1/3 भाग हम काम में लेते हैं, ठीक है, ऊपर का जो 1/3 भाग है गन्ने का उसको हम क्या करते हैं आगे एज ए सीड के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि ऊपर के भाग में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, सुक्रोज की मात्रा उसमें कम होती है ना, जो शुगर है वो ग्लूकोज और सुक्रोज के रूप में होती है, तो ग्लूकोज की मात्रा वहां पर ज्यादा होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ऊपर का 1/3 भाग काम में लेते हैं, और क्योंकि ऊपर के भाग में ग्लूकोज ज्यादा तथा सुक्रोज कम होता है ना, सुक्रोज ज्यादा होने पर अंकुरण धीर होता है, अगर सुक्रोज की मात्रा बढ़ेगी गन्ने के अंदर, अगर सुक्रोज कंटेंट बढ़ता है तो वहां पर उसका जर्मिनेशन कम होता है, ठीक है, और ऊपर वाला भाग जो होता है वहां पर क्या होता है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है, तो उसमें सुक्रोज की मात्रा कम है, तो इसीलिए हम उसको एज ए सीड काम में ले लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए 10 माह पुरानी फसल लेते हैं तो ग्लूकोज है वो सुक्रोज में कन्वर्ट होने लग जाता है, उसको हम काम में लेते हैं, सुक्रोज की मात्रा वहां पर क्या होती है कम होने लग जाती है। ओके, बीज दर की बात करते हैं, किस प्रकार से लेते हैं, वो तो बेसिक जानकारी थी, जो इसमें हम बीज दर के रूप में काम लेते हैं गन्ने के टुकड़े लेते हैं, वो 3 आंख वाले भी हो सकते हैं और 2 आंख वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 आंख वाले अगर हम ले रहे हैं तो कम काम में लेंगे, क्योंकि उसमें 3 प्लांट उसमें बनेंगे आगे चल के, है ना, तो वो कितने लेते हैं 35,000 से 40,000 लेते हैं प्रति हेक्टेयर, मतलब 70 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर 3 आंख वाले गन्ने लेते हैं, और यदि 2 आंख वाले लेने होते हैं तो 80,000 से 1,00,000 पर हेक्टर हमें लेने होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना ये जो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसकी जो पूछी जाती है कि 3 आंख वाले की सीड रेट या 2 आंख वाले की सीड रेट कितनी होती है या गन्ने की सीड रेट कितनी होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है यहां से। राजस्थान के लिए जनरली क्या होता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 3 आंख वाले गन्ने हम एज ए सीड रेट के रूप में काम में लेते हैं, जो कितनी मात्रा है 35 से 40,000 है। चलिए आगे चलते हैं, राजस्थान के लिए 3 आंक वाले 40 से 45,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं, ठीक है, 3 आंक वाले ही हम इसमें ज्यादातर काम में लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें बीजोपचार की बात करते हैं, तो गन्ने का जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो एगेलोल 0.5% या 0.25% एरिटोल से काम में लेता है। गन्ने के अंदर आगे हम पढ़ेंगे इसमें रेड, उसमें लाल सडन रोग अगर ये होता है उससे बचने के लिए हम इसमें सीड ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, और वो सीड ट्रीटमेंट किससे करना चाहिए, एगेलोल या एरिटोन से करना चाहिए, ठीक है। लॉल देखो इसमें नाम में आ रहा है, लॉल मतलब लाल, तो लाल सडन जो रोग है उससे बचने के लिए हमें एगेलोल से इसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिसकी मात्रा कितनी लेते हैं 0.5% या एगेलोल 0.5% लेते हैं, और अगर एगेलोल नहीं है तो एरिटोल काम में लेते हैं जो 0.25% काम में लेते हैं।
चलिए क्लियर है यहां तक? कोई समझ में दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ, ये 40,000 3 लाख वाले 35 से 40,000 हम टुकड़े काम में लेते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे भी लिखा हुआ कि राजस्थान के लिए, अगर बाय मिस्टेकली मैंने 4,000 बोल दिया हो तो सॉरी, 3 लाख वाले भी 40 से 45,000 टुकड़े हम काम में लेते हैं प्रति हेक्टेयर, है ना। चलिए दोस्तों, और बीज दर इसमें एग्लोल या एरिटोल के द्वारा करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें सोविंग टाइम की, बात करते हैं बुआई का समय की, हम बात करते हैं बुआई का समय कब काम लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बात करते हैं कि शरदकालीन गन्ना या बसंतकालीन गन्ना, कल परसों क्वेश्चन में भी आया था, या अधसाली गन्ना होता है ना, तो वो कब कब लिए जाते हैं उनके लिए, तो अलग अलग है। शरदकालीन जिसको हम एटम गन्ना भी बोलते हैं, एवटम गन्ना बोलते हैं, उसको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हम उसकी सोविंग कर देते हैं, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। और बसंतकालीन जो गन्ना है, बसंतकालीन गन्ने की 15 फरवरी से 15 मार्च तक हम उसमें क्या करते हैं, उसकी सोविंग कर देते हैं, ठीक है, बुआई का समय है। अधसाली गन्ना क्या होता है? अधसाली गन्ने का मतलब होता है कि, चलो इसमें देखते हैं कि जून से लेकर जुलाई तक यह महाराष्ट्र में बोया जाता है। इसकी बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई तक की जाती है, महाराष्ट्र के अंदर बोया जाता है। यह 18 महीने की अवधि का होता है, उसे हम अधसाली गन्ना कहते हैं, क्योंकि गन्ना पूरा जो होता है वो आगे 2-3 साल तक चलता है, तो 18 महीने का जो है, मतलब आधी अवधि का जो गन्ना है, उसे हम अधसाली गन्ना कहते हैं, ठीक है। अधसाली गन्ने में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं? 120 सेंटीमीटर रखते हैं, क्लियर है। इसके अंदर जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, रो से रो की दूरी है, वो कितनी रखते हैं? 120 सेंटीमीटर रखते हैं अधसाली गन्ने के अंदर। और इसकी बुआई कब की जाती है? जून और जुलाई में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बीज की बुआई किस प्रकार से की जाती है। इसमें देखिए बीज की बुआई के अलग अलग मेथड हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम बीज की बुआई इसमें करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले है फ्लैट या समतल मेथड, ठीक है, समतल मेथड, सीधी डायरेक्ट हम करें तो इसमें क्या होता है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम रखते हैं 75 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। यह विधि उत्तरी भारत के भागों में तथा महाराष्ट्र में प्रचलित है। डिस्टेंस रखते हैं इसमें 75 से 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखते हैं। फ्लैट मेथड में डायरेक्ट हम उसको फ्लैट करेंगे फिर उसमें बिछा देते हैं। नेक्स्ट है फरो मेथड, कुंड मेथड। इसमें क्या होता है, यह विधि बाहरी मृदाओं में प्रयोग की जाती है। यह विधि पूर्व उत्तरी प्रदेश व प्रायद्वीप भारत में प्रचलित है। इस विधि में 15 से 20 सेंटीमीटर में बुवाई करते हैं, ठीक है। फरो में मतलब फरो में उसको हम क्या करते हैं, उनको बिछाते हैं फिर करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंच मेथड, ठीक है, खाई विधि। इसमें क्या होता है, उसमें खाइया बनाते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम जमीन के नीचे रखते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर की खाइयां बनाई जाती हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में उन क्षेत्रों में काम में ली जाती है जहां पर आंधी तूफान अधिक आते हैं। थोड़ा सा उसको हम क्या करते हैं, नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम उनको गन्ने को गाड़ते हैं, ताकि वहां पर जो जितने भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आंधी तूफान आती है तो वो गन्ना मिट्टी नहीं उड़े, इस प्रकार से हम उसको रखते हैं। नेक्स्ट है रेन्यूगस विधि, ठीक है। रेन्यूगस विधि में क्या होता है, यह विधि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने विकसित की गई थी। इसमें सीधी कली का बड़ जो है वो डायरेक्ट ही बोलते हैं, बड़ होती है ना, देखो हम जो आग की बात कर रहे थे ना, वो क्या होता है, गन्ने का जो पौधा होता है ना, गन्ने का इस प्रकार से, ये जो हम गन्ना लेते हैं 2 से 3 सेट वाला, तो ये इस प्रकार से जो सेट होता है गन्ने का, यहां से और यहां से, तो आपने देखा होगा यहां पर एक छोटी सी बड़ होती है, ठीक है, इसको हम गिनते हैं कि ये 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए। तो कहीं अब तो हम मेन यहां से क्या होता है, आगे इसमें फ्रूट प्रोडक्शन होगा, आगे यहां से क्या बनते हैं, इसमें फल बनते हैं, ठीक है, ये बड़ से मेन बड़ है, ये वाली बड़ है। तो कहीं अब हम जितना भी ले रहे हैं वो गन्ना हम पूरा काम में ले रहे हैं, लेकिन कहीं होता है कि रेन्यूगस मेथड में क्या होता है, उसमें हम डायरेक्ट ही सीधी एक बड़ काम में ले लेते हैं, डायरेक्ट उसमें हम क्या करते हैं, सीधी बड़ जो है मेन वही काम में ले लेते हैं, इस प्रकार से ना। और नेक्स्ट है पौधरोपण विधि, ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग मेथड क्या होता है कि इसमें यह विधि IISR लखनऊ के द्वारा विकसित की गई थी। इसमें बीज की 20 क्विंटल, ठीक है, मतलब 18,000 टुकड़े काम में लेते हैं, नर्सरी में 45 से 50 दिन तैयार की जाती है और फिर उसको हम खेत में ले जाते हैं, ठीक है। पहले हम इसमें टुकड़े लेते हैं उनको नर्सरी में बोते हैं, नर्सरी में जब उनके प्लांटेशन हो जाता है, वो उनमें जर्मिनेशन हो जाता है, उग जाते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, उसको खेत में ले जाकर उनको अप्लाई करते हैं, उनकी प्लांटेशन उनका करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पौधरोपण में, ट्रांसप्लांटेशन मेथड में। तो इस प्रकार से हम बीज की बुआई कर सकते हैं, समतल मेथड से, कुंड मेथड, फरो मेथड से, या ट्रेंच या खाई मेथड से कर सकते हैं, रेन्यूगस मेथड से कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांटिंग मेथड से कर सकते हैं बीज की बुआई, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करते हैं, खाद व उर्वरक कौन कौन से आवश्यक होते हैं, कितने आवश्यक होते हैं, कब कब देने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन से, 90 से 110 केजी नाइट्रोजन
ठीक है, और 180 से 300 केजी फास्फोरस, ठीक है, तथा 60 से 180 केजी पोटास और 80 से 90 केजी कैल्शियम देना चाहिए। ठीक है, ये एनपीके हैं। एनपीके का सीधी सीधी बात अगर हम 1:1 में लिखें तो कितना हो गया, 110 नाइट्रोजन दे सकते हैं। ठीक है, फास्फोरस की बात करते हैं तो 180 से 300 हम मैक्सिमम लेते हैं 300, और पोटास की मात्रा होती है 180। ठीक है, तो 110 300 180 के रेशियो में हम क्या करते हैं, एनपीके काम में लेते हैं, एन पी और के काम में लेते हैं। उसके अलावा कैल्शियम इंपोर्टेंट, हम इसमें कैल्शियम भी देते हैं, 80 से 90 केजी कैल्शियम इसमें पर हेक्टेयर देते हैं। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन जो हम ले रहे हैं उसको क्या करें, हम इसको अलग अलग भागों में देंगे, कैसे, 120 से 150 केजी नाइट्रोजन, ये अलग अलग दूसरा रेशो है कि 120 से 150 नाइट्रोजन, या 60 से 80 फास्फोरस, या 60 पोटास, या 30 से 60 केजी कैल्शियम हम उसमें कम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये फुल डोज है और हाफ डोज भी हम इसकी दे सकते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन को छोड़कर सभी जितने भी हैं शेष सभी बुवाई के समय मिला देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को हम अलग अलग अवस्थाओं में देते हैं, 1/3 पार्ट में देते हैं। ठीक है, कब कब देते हैं कि नाइट्रोजन का 1/3 पार्ट जो है वो तो बुवाई के समय दे देना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, उस समय पर बाकी जितने भी हैं वो भी हमें दे देने चाहिए न्यूट्रिएंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो 1/3 है वो फुटान के समय देना चाहिए, और नेक्स्ट 1/3 जो है वो 120 दिन के बाद में देना चाहिए। इस प्रकार से हम नाइट्रोजन को तीन भागों में देते हैं, बुवाई के समय, फोटान के समय, और 120 दिन के बाद में जब वो बड़ा हो जाए उस टाइम पे देते हैं। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इसमें इरिगेशन कितनी जल आवश्यक होता है, तो इसके लिए 1500 से 2500 mm सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना इसका क्वेश्चन आता है। 1500 से 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा होती है वो किसकी है, गन्ने की है, जो हम काम में लेते हैं गन्ने की रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें क्रांतिक अवस्थाओं की बात करते हैं। ठीक है, क्रांतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, क्रिटिकल स्टेज की बात करते हैं, कौन कौन सी हैं। तो क्रिटिकल स्टेज है, एक तो इसमें अंकुरण के समय देना चाहिए। ठीक है, क्रांतिक अवस्था सिंचाई के लिए, सिंचाई कितनी होती है, 1500 से 2500 mm होती है क्रांतिक अवस्था, एक अंकुरण के समय हमें देनी चाहिए। एक फॉर्मेटिव स्टेज, मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक होती है, कल परसों हमने इसका जिक्र किया था, फॉर्मेटिव स्टेज हो गया, या सरसों के अंदर सिलिको स्टेज होती है, इनके नाम ऐसे जो हमें अटपटे लगते हैं यार ये क्या है, लेकिन ये इरिगेशन स्टेज ही है, इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज है, आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मेटिव स्टेज जो होती है वो किसके अंदर होती है, गन्ना के अंदर होती है, रचनात्मक अवस्था, इस अवस्था पर उसमें सिंचाई देना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट आती है इसमें वृद्धि अवस्था, ग्रांड स्टेज आती है, और लास्ट है मैच्योरिटी स्टेज, परिपक्व अवस्था। ये चार अवस्था है गन्ने में जहां पर हमें सिंचाई देनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे हमें, ये क्रिटिकल स्टेज जहां पर हमें उनको इरिगेशन देनी चाहिए। कौन कौन सी है, अंकुरण अवस्था, जर्मिनेशन स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज, रचनात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं, फिर ग्रैंड स्टेज, वृद्धि अवस्था, ठीक है, ग्रोथ स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज, और नेक्स्ट है परिपक्व मैच्योर अवस्था, मैच्योर स्टेज। इन चारों अवस्थाओं पर हमें गन्ने को सिंचाई देनी चाहिए। क्लियर, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन से हर्बिसाइड्स काम में लेते हैं। तो इसमें एट्राजीन या सीमाजीन काम में लेते हैं गन्ने के अंदर। ठीक है, एट्राजीन या सीमाजीन कितना, 2 kg पर हेक्टेयर अंकुरण से पहले हम इसमें एट्राजीन या सीमाजीन काम में लेते हैं। ठीक है, 2 kg पर हेक्टेयर अंकुरण से पहले एट्राजीन या सीमाजीन काम में लेते हैं। देखो जितनी भी ग्रेमिनिकुल की फसलें हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम में क्या होता है, जनरली हम सामान्यतः क्या करते हैं, एट्राजीन या सीमाजीन ही HA हर्बिसाइड काम में लेते हैं, खरपतवार नाशी के रूप में काम में लेते हैं, एट्राजीन या सीमाजीन ही काम में लेते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद में दूसरा हर्बिसाइड ले सकते हैं, डाईयूरिन काम में ले सकते हैं, वो कितना है, 2.5 से 3 kg अंकुरण से पहले देते हैं, डाईयूरिन भी काम में ले सकते हैं। अच्छा, गन्ने के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस, एक प्रैक्टिस की जाती है, एक क्रिया की जाती है, जिसको हम बोलते हैं अंधी गुड़ाई। क्या बोलते हैं, अंधी गुड़ाई बोलते हैं, अंधी गुड़ाई बोलते हैं, वो गन्ने के अंदर की जाती है। वो क्या होता है, अंधी गुड़ाई क्या होता है कि गन्ने में बुवाई के बाद, ठीक है, तथा अंकुरण से पहले खरपतवारों को नष्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अंधी गुड़ाई। ठीक है, गन्ने की जब बुवाई कर दी उसमें हम पानी देते हैं तो खरपतवार उगने लग जाते हैं, लेकिन गन्ने का अंकुरण नहीं होता है, गन्ने की हमने जस्ट उसको बुवाई की, उसमें हमने आंख जो है, आंख वाले सेट जो है, गन्ने के सेट है वो हमने खेत के अंदर डाले हैं, उसके बाद में उनका अंकुरण होगा, उस अंकुरण से पहले जो खरपतवार उसमें खेत के अंदर उग जाते हैं उनको नष्ट करना, उनको खत्म करना क्या कहलाता है, अंधी गुड़ाई कहलाता है। ठीक है, ये अंधी गुड़ाई किसके अंदर की जाती है, गन्ने के अंदर की जाती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन आता है यहां से, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, इसके लिए अंधी गुड़ाई के लिए क्या करते हैं, पैराक्वाट, इंपॉर्टेंट है पैराक्वाट, हम खरपतवार नाशी हर्बिसाइड काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों हम सभी को, क्लियर है, अच्छा चल रही है क्लास, अगर क्लास सही चल रही है, हम सभी एक्टिव हो, मुझे कमेंट में एक बार यस लिखकर भेजिए, है ना, आपसे काफी देर से बात नहीं हो पा रही, सभी को सही समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं आया अभी तक जो पढ़ा है हमने, क्योंकि ये बड़ी क्रॉप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो मुझे कमेंट में एक बार यस लिखकर भेजिए, फिर मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूं दोस्तों।
काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके स्क्रॉप के अंदर हम टच करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव स्टेज को ध्यान रखना है। सीमाजीन एट्राजीन एज हर्बिसाइड काम में लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अंधी गुड़ाई किस फसल के अंदर की जाती है, ये क्वेश्चन आता है। गन्ने के अंदर की जाती है। अंधी गुड़ाई में क्या होता है, खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। ओके, सभी रेडी हो? सभी सही चल रहा है? चलिए, पढ़ रहे हो ना आराम से? ओके, चलते रहिए, है ना, ठीक है। क्रांतिक अवस्था हो गई, हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया था। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोपिंग के पढ़ते हैं, ठीक है। एक अंधी गुड़ाई किसके अंदर की जाती है, गन्ने के अंदर की जाती है। नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसका नाम है प्रोपिंग। प्रोपिंग भी हम किसमें करते हैं, गन्ने के अंदर करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि प्रोपिंग किसमें करते हैं, गन्ने में करते हैं। होता क्या है प्रोपिंग, समझते हैं कि यह क्रिया तेज धूप या वर्षा कीट पतंगों से बचाने के लिए गन्ने को बांध देते हैं, ठीक है। गन्ना क्या होता है, जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे जब उसका वजन बढ़ता है तो वो झुकने लगता है, ठीक है। या ऊपर क्या, उसमें ऊपर उसमें पत्ते होते हैं, ठीक है। अब गन्ने ज्यादा अगर उसमें तेज धूप पड़ेगी, ठीक है, या वर्षा अगर आती है तो सीधी उसमें आती है तो वो क्या खत्म हो जाता है, गन्ना जो है वो खराब होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, गन्ने को वो टेढ़ा रहता है, उसको गन्ने को चार पांच गन्नों को लेकर हम वहां पर बांध देते हैं इस प्रकार से। तो घर सा बन जाता है ऐसा, है ना, झोपड़ी सी बन जाती है। इस प्रकार से गन्ने को हम ऊपर से बांध देते हैं, उसके सिर को बांध देते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रोपिंग कहलाती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी अगेन काफी बार पूछा जाता है कि प्रोपिंग किससे संबंधित है, किस फसल से संबंधित है। तो प्रोपिंग किसमें की जाती है, गन्ने के अंदर की जाती है। याद कैसे रखना है कि सभी को हम क्या करते हैं, ऊपर से बांध देते हैं गन्ने को तेज धूप या वर्षा से बचने के लिए, या कीट पतंगों से बचने के लिए, ताकि कीट पतंगे भी ऊपर ही रह जाएं, वो नीचे हमारी मेन क्रॉप तक नहीं पहुंचे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपिंग बोलते हैं ना। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। इसको भी क्वेश्चन आता है, अर्थिंग अप क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। वो किसके अंदर की जाती है, गन्ने के अंदर की जाती है। इसमें क्या होता है, पौधों के तनों के पास मिट्टी चढ़ा देते हैं, जुलाई के महीने में चढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि गन्ने की जड़ें निकलने लग जाती हैं, इसलिए हम पौधों के आसपास जो उसका है वहां पर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। उस मिट्टी को चढ़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम अर्थिंग अप बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोपिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट है, अंधी गुड़ाई, प्रोपिंग और अर्थिंग अप किसके अंदर की जाती है, तीनों प्रक्रियाएं गन्ने के अंदर की जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मैच्योरिटी की बात करते हैं, परिपक्वता के लिए क्या करना चाहिए। तो परिपक्वता के लिए पहला रिस रसायन 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या ग्लाइफोसेट या एथोपोन का छिड़काव करना चाहिए। अगर उसमें तो पोलारिस 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर या ग्लाइफोसेट या एथोपोन उसमें छिड़काव कर सकते हैं उसकी मैच्योरिटी के लिए, परिपक्वता लाने के लिए। गन्ने में गन्ना परिपक्व हुआ या नहीं हुआ इसका पता कैसे चलेगा, उसमें ब्रिक्स रीडिंग अकॉर्डिंग पता चलता है। और ब्रिक्स रीडिंग के लिए हम क्या काम में लेते हैं, रिफ्लेक्टोमीटर काम में लेते हैं, रिफ्रेक्टोमीटर काम में लेते हैं। याद रखना, गन्ने की परिपक्वता का ज्ञात करने के लिए, गन्ने की परिपक्वता का पता करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, रिफ्रेक्टोमीटर काम में लेते हैं, जो अगेन मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गन्ने की परिपक्वता किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो उसका नाम है रिफ्रेक्टोमीटर, ठीक है। जिसके अंदर हम आगे इसमें पढ़ेंगे, जैसा कि उसमें क्या होती है, ब्रिक्स रीडिंग हम ज्ञात करते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, क्या है हम डिस्कस करते हैं। परिपक्वता सूचक इंडिकेटर्स क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि गन्ना परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो गया है या नहीं हुआ, उसको कैसे पता चलेगा। तो गन्ने के तने से, फर्स्ट है अलग अलग पहचान के इसमें गुण है, गन्ने के तने से धातु के समान आवाज आनी चाहिए, जब हम उसको बजा के देखें तो मेटेलिक साउंड आनी चाहिए वहां से, है ना, या उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और ब्रिक्स रीडिंग जिसके हम बात कर रहे थे, ब्रिक्स रीडिंग 16 से 18 होनी चाहिए, जब हम रिफ्लेक्टोमीटर से वहां पर नापते हैं उसमें, तो उसमें ब्रिक्स रीडिंग जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 16 से 18 होनी चाहिए। अगर ब्रिक्स रीडिंग 16 से 18 हो रही है, मतलब गन्ना जो है वो मैच्योरिटी पर है, वो पक चुका है, ठीक है। और उस स्टेज पर क्या होता है, गन्ने के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, 0.5% या उससे भी कम हो जाती है, तथा सुक्रोज मात्रा 16 या 16 से ज्यादा हो जाती है उस स्टेज पर। तो उस स्टेज पर हम बोलते हैं कि गन्ना भाई साहब पक चुका है, मैच्योर हो चुका है ना। हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये छोटे मोटे क्वेश्चन पॉइंट थे, बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रिक्स सीडिंग का। ब्रिक्स सीडिंग से क्वेश्चन आता है कि गन्ने की परिपक्वता के समय उसकी ब्रिक्स रीडिंग, रिफ्लेक्टोमीटर के अंदर ब्रिक्स रीडिंग जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो 16 से 18 होनी चाहिए रेंज, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अब इसके बारे में बेसिक जान लिया, तो अब हम इसके जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसको नुकसान पहुंचाती है, जैसे रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, वो गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं, रोगों के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक रोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं।
चलिए रोगों की बात करते हैं, इसमें डिजीज कौन कौन सी लगती हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर की डिजीज है लाल तना सड़न रोग। मैं आपसे बात की थी उसमें जब हम शीट ट्रीटमेंट की कर रहे थे कि रेड रूट लगता है इसके अंदर, ठीक है। गन्ने का आपने भी देखा होगा, सभी ने गन्ना खाया हुआ है, गन्ना जो होता है वो बीच में उसका जो तना होता है वो रेड कलर का सा हो जाता है, ठीक है। तो रेड रूट ऑफ शुगर कैन इसकी मोस्ट डैमेजिंग डिजीज है, याद रखना हमें, लाल तना सड़न रोग है ना, जो किसके द्वारा होती है, कोलेट्रोफ्रिचियम फैक्टम के द्वारा होती है, ये कवक के द्वारा होती है, कोलेट्रोफ्रिचियम फैक्टम कवक के द्वारा होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी विशेषता क्या है, इसके अंदर एल्कोहल जैसी गंध आने लगती है, ठीक है। एल्कोहल जैसी उसके अंदर सड़ने लग जाता है तो हमें उसमें एल्कोहल जैसी गंध सी आने लगती है लाल तना सड़न रोग के अंदर। दूसरा है ग्रासी शूट डिजीज, ठीक है। ग्रासी शूट डिजीज इसमें क्या होता है कि वो जो तना है वो तो पतला रह जाएगा, ग्रासी शूट मतलब घास वाला भाग जो है उसका ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि हमारा जो तना है जो वो कम छोटा रह जाएगा। तो ग्रासी शूट डिजीज के अंदर क्या होता है, यह रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, पहले तो हमें यह याद रखना है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। और पौधे जो होते हैं वो दुबले पतले रह जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, पौधे जो है वो दुबले पतले रहते हैं। ग्रासी शूट मतलब ग्रास वाला पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, उसके अंदर ऊपर ग्रास वाला पार्ट वो ज्यादा होता है, बजाय उसमें मेन जो तना है इस टाइम वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पौधे जो है वो दुबले रह जाएंगे और ग्रासी शूट में ग्रास बढ़ जाएगा। और ग्रासी शूट इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, याद रखना है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बोनापेडी में दी रेटून स्टेनिंग डिजीज, ठीक है। रेटून स्टेनिंग डिजीज ये क्या होती है, यह विषाणु के द्वारा होती है और इससे प्रभावित पौधे जो होते हैं वो दुबले पतले रह जाते हैं। रेटून ये किसमें लगती है, ये रेटूनिंग में लगती है, जो रेटून फसल हम जो लेते हैं ना, कि भाई मेन गन्ना, मेन फसल हम गन्ने की बोते हैं, उसको बो लिया, उसको काट लिया, हमारा प्रोडक्शन हो गया जयराम जी की, उसके बाद में अगले साल अगले सीजन पर जो गन्ना आपकी जमीन के अंदर है वो फिर से उगने लग जाता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेटून फसल, फिर से उगने लग जाता है। तो वो जो रेटून फसल होती है उसके अंदर ये डिजीज होती है, रेटून स्टनिंग डिजीज, ठीक है। रेटून स्टनिंग डिजीज जो है उसके अंदर होती है, जो विषाणु के द्वारा होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो है हमारा रेड रूट ऑफ शुगर कैन डिजीज, ये पूछा जाता है इसका, आप याद रखना, इसकी विशेषता क्या है, एल्कोहल जैसी इसमें गंध आती है, इंपॉर्टेंट डिजीज है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कीटों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें तना छेदक व शीर्ष छेदक कीट, ठीक है, स्टेम बोरर इसमें लगता है, ठीक है। स्टेम बोरर डिजीज होती है, वो क्या होता है, ये तने को अंदर से खोखला कर देता है, ठीक है। और ध्यान रखना फिक्स है, जो स्टेम बोरर डिजीज, स्टेम बोरर जो इंसेक्ट है वो तने को खाएगा, ये तो हमें नाम से पता चल रहा है, तने को खाकर वो डेड हट बना लेता है, क्या बना लेता है, वो डेड हट बना लेता है। तो तने को जैसे खाता है उसको खोखला कर देगा तो वहां पर क्या हो जाता है, डेड हट बन जाते हैं। तो डेड हट कैसे बनते हैं, स्टेम बोरर के द्वारा बनते हैं। तो याद रखना स्टेम बोरर डिजीज है, ये तने को तना छेदक है, तने को अंदर से खोखला कर देता है, उसे डेड हट कहते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए क्या काम लेते हैं, ट्राइकोडर्मा जो परजीवी है वो हम काम में लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ट्राइकोडर्मा जो परजीवी होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, कीटों को छोड़ देते हैं जो इनके लिए। और दूसरा उपचार है कि तना छेदक के लिए हम क्या कर सकते हैं, तने पर मिट्टी चढ़ाते, जो हम अर्थिंग अप की प्रक्रिया करते हैं, अर्थिंग अप की जो बात करते हैं, अर्थिंग अप जो प्रक्रिया की जाती है उसमें अंदर, ठीक है। तो उससे इसलिए करते हैं ताकि जो स्टेम बोरर जो है वो क्या जमीन से चढ़ के जाते हैं तो वो चढ़ नहीं पाए, उस पर तने पर चढ़ गए तो फिर वो तने को खा जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे, वहां पर डेड हर्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तना छेदक इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट जो अगेन इंपॉर्टेंट है, पायरिला या फुदगा इंसेक्ट, पायरिला इंसेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, यह कीट अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक नुकसान पहुंचाता है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक नुकसान पहुंचाता है। और यह क्या होता है, ये सकिंग टाइप का पेस्ट है, ठीक है, सक करता है, सेल से आपको सक करता है, रस को चूसता है, चूसक कीट है जो शहद जैसा पदार्थ निकालता है, ठीक है, वहां से रस को चूस लेता है और जब इसका जो वेस्ट मेटल निकलता है वो शहद जैसा पदार्थ निकलता है, पायरिला का फुदका का, याद रखना है ना। इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, इसके कंट्रोल के लिए डाइमेथोएट 0.1% काम में लेते हैं, और अगर डाइमेथोल नहीं है तो हम मेलाथियोन भी काम लेते हैं, 0.1% ले सकते हैं, या जैविक कीट भी काम लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पर तना छेदक में ट्राइकोग्रामा काम लिया था, उसी प्रकार से एपीरिकानिया मेलालोरिसिया काम में ले सकते हैं, उसमें इंसेक्ट काम लेते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, इसमें जैविक कीट है जो अपने जो दुश्मन कीट है उसको खाते हैं, ठीक है, वो फसल को नुकसान कंट्रोल किया जाता है इस प्रकार से। तो दो इसमें इंसेक्ट है, एक तो स्टेम बोरर जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ठीक है, और पायरिला ये भी इंसेक्ट है जो गन्ने के अंदर लगता है, इन्हें हमें याद रखना है किस प्रकार से होते हैं, कब खाते हैं। गन्ने की गुणवत्ता की बात करते हैं, गन्ने की गुणवत्ता क्या होती है, कितनी होती है, ठीक है। गन्ने की गुणवत्ता की बात की जाती है तो गन्ने का जो जूस है उसके अंदर जल की जो मात्रा है वो 70
से 80% होती है, सुक्रोज की मात्रा 10-12% होती है, ठीक है, और जूस में चीनी की मात्रा जो होती है गन्ने के जूस में 8-10% होती है, और गुड़ जो है वो 11% प्राप्त होता है, मेला से जो है वो 3% प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये कुछ रेशो हैं हमें याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बाय प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, ठीक है, गन्ने के द्वारा बाय प्रोडक्ट बनते हैं उनके नाम क्या क्या है। एक तो होता है बेगासेज, ठीक है, बेगासेज बाय प्रोडक्ट बनता है जो क्या काम आता है, ईंधन के काम में आता है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां वगैरह होती है ना, वो क्या करते हैं, शुगर कैन से हम क्या करते हैं, शुगर निकाल लेते हैं, गुड़ निकाल लेते हैं, चीनी बनानी होती है उसका रस निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो बचता है, जैसे कि हम मार्केट में भी देखते हैं कि रस निकालने के बाद में जो गन्ने का बच जाता है उसको फैक्ट्रियां वगैरह खरीदती हैं, उनको वो ईंधन के काम में लेती हैं, ठीक है। तो ईंधन के काम में यदि हम उसको काम में ले रहे हैं गन्ने को, तो क्या बोलते हैं उस उत्पाद को, क्या बोलते हैं, बेगासेज बोलते हैं, ठीक है। और मेलासिस है, अगेन मेलासिस का काम आता है शराब बनाने काम में आता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, सुक्रोज है, तो इसका क्या है, डीकम्पोजिशन कराते हैं बाद में, तो इससे शराब बनाई जाती है गन्ने के द्वारा, है ना, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मेलासिस बोलते हैं। और तीसरा बाय प्रोडक्ट है, इसमें सह उत्पाद है, वो है प्रेसमड, ठीक है। प्रेसमड क्या होता है, क्षारीय भूमियों को सुधारने के काम में आता है, इसमें 1-3% फास्फोरिक पाया जाता है, गन्ने के अंदर 1-3% फास्फोरिक पाया जाता है, तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं प्रेसमड, जो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के काम में आता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट इसकी उपज के बारे में, उपज के बारे में बात करते हैं, यील्ड के बारे में बात करते हैं। तो गन्ने की जो उपज है वो 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर एक साल वाले गन्ने से, है ना, क्योंकि गन्ना दोनों प्रकार का, एक साल भर वाला है, एक अधसाली गन्ना जिसको 18 माह की अवधि में हम उसको काट लेते हैं। तो साल भर वाला जो गन्ना है उसमें 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, और 1000 से 1200 क्विंटल उसमें अधसाली गन्ने के अंदर उपज प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। क्लियर, आप सभी को गन्ने की फसल हमने पढ़ी है, आप सभी को समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट में एक बार यस लिखकर भेजिए जल्दी से, फिर उसके बाद में हम इसका रैपिड रिवीजन करते हैं, जैसा कि हर बार कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम टच करते हैं। आज की क्रॉप जो है वो काफी बड़ी क्रॉप थी, और लेकिन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में यस लिखकर भेजिए। जल्दी से कमेंट में यस लिखकर भेजिए दोस्तों, अगर आप सभी रेडी हो हम आज का रैपिड रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का रैपिड रिवीजन दोस्तों। ओके, सभी रेडी है, चलिए शुरू करते हैं आज का रैपिड रिवीजन। मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम टच करेंगे आज, है ना। ओके, गन्ने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इसका बॉटनी का नाम, गन्ने का वानस्पतिक नाम जो होता है वो क्या होता है, सैकेरम ऑफिसिनेरम। ओके, इसका कुल क्या होता है, गन्ने का कुल किस कुल से संबंधित है, ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। गन्ने का उद्भव स्थान न्यूजीनिया, ठीक है। गन्ने में के अंदर 2N कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम से गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। गन्ना किस प्रकार की फसल है, एक वर्षीय, बहुवर्षीय, तो बहुवर्षीय फसल है। गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, गन्ने के पुष्प क्रम को एरो कहते हैं, क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। ओके, गन्ने के अंदर सबसे फर्स्ट वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट स्थान किसका है, ब्राजील का है, ब्राजील, और सेकंड भारत का है, ठीक है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर होता है। उत्पादकता सबसे ज्यादा किसकी है, तमिलनाडु की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। राजस्थान में अगर बात करते हैं उत्पादकता की, तो किसकी है, बूंदी, फिर गंगानगर। ओके, गन्ने के अंदर फूल कब बनते हैं, गन्ने के अंदर फूल बनते हैं 300-350 दिन के बाद। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है, कोयम्बटूर के अंदर है। भारतीय चीनी अनुसंधान कहां पर है, कानपुर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु की, ठीक है। खरीफ सीजन की क्रॉप है, तो 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होगा, और वृद्धि के लिए पकते समय 29-30-32 डिग्री आवश्यक होगा, है ना, बेसिक है। किस प्रकार का फसल है, C3 या C4 है, तो C4 टाइप का पौधा है गन्ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस प्रकार का है, लघु दिवसीय, दीर्घ दिवसीय, तो लघु दिवसीय पौधा होगा, क्योंकि खरीफ सीजन का है।
नेक्स्ट गन्ने का क्लासिफिकेशन, गन्ने कितने प्रकार के होते हैं? गन्ने चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम साइनेंसिस। सैकेरम ऑफिसिनेरम को दूसरा नाम क्या है? इसे नोबल कैन भी कहते हैं। सैकेरम बारबेरी को क्या कहते हैं? सैकेरम बारबेरी को भारतीय गन्ना भी कहते हैं। सैकेरम स्पॉन्टेनियम को जंगली गन्ना भी कहते हैं और सैकेरम साइनेंसिस को चाइनीज गन्ना भी कहते हैं। ठीक है, इसी से उल्टे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नोबल गन्ना किसे कहते हैं? सैकेरम ऑफिसिनेरम को कहते हैं। भारतीय गन्ना किसे कहते हैं? सैकेरम बारबेरी को कहते हैं। जंगली गन्ना किसे कहते हैं? सैकेरम स्पॉन्टेनियम को कहते हैं। और चाइनीज गन्ना किसे कहते हैं? सैकेरम साइनेंसिस को कहते हैं। आगे हम बात करते हैं किस्मों की। जितनी भी सीओ वाली किस्में हैं वो सारी सारी गन्ने की किस्म होती हैं। ठीक है, सीओ 419 जो होती है आश्चर्यजनक गन्ना या वंडर कैन भी कहते हैं, जिसके अंदर चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से गुड़ के लिए ये सारी किस्में होती हैं। उत्परिवर्तित किस्में कौन कौन सी गन्ने की? सीओ 8152 और 8153। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडी। इसमें अंदर पेडी के लिए कौन कौन सी, रेटोनिंग के लिए कौन सी किस्म की जाती है? सीओ 1142, 419 और सीओ 740 पेडी के लिए काम में ली जाती है, रेटोनिंग के काम में ली जाती है। आगे हम बात करते हैं बीज की, बात करते हैं सीड डेट की, बात करते हैं तो सीड डेट के लिए 10 माह पुराना गन्ना की फसल लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें टॉप डोमिनेंट ऊपर वाले भाग जो है वो बताया कि किस प्रकार से लेते हैं, ये सभी आपको क्लियर है। सीड रेट की बात करते हैं कितनी लेनी चाहिए, तो 35,000 से 40,000 पर हेक्टेयर कैन लेने चाहिए, तीन आंख वाले। ठीक है, तीन आंख वाले जो बीज दर है, तीन आंख वाले टुकड़े जो लेते हैं वो 35,000 से 40,000 पर हेक्टेयर काम लेते हैं, जो लगभग कितने होते हैं 70 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर। और यदि दो आंख वाले गन्नों की बात की जाती है तो 80,000 से 1,00,000 टुकड़े पर हेक्टेयर काम में लेते हैं। राजस्थान के लिए जनरली तीन आंख वाले ही काम में लिए जाते हैं, कितने? 40,000 से 45,000 टुकड़े काम में लिए जाते हैं। ठीक है, गन्ने का बीजोपचार किया जाता है, रेड रूट जो इसमें रोग लगता है, लाल सडन रोग लगता है, उसके बचने के लिए हम इसमें बीजोपचार करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? एगलोल के द्वारा करते हैं। एगलोल 0.5% काम लेते हैं या एरिटोल काम लेते हैं 0.25%। एगलोल या एरिटोल दोनों ही काम लेते हैं बीजोपचार के रूप में, सीड ट्रीटमेंट के रूप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर बुआई की, बात करते हैं बुआई का समय, सोविंग टाइम क्या है। सोविंग टाइम अगर शरदकालीन की बात करते हैं तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। ठीक है, बसंतकालीन की बात करते हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च और अधसाली गन्ने के लिए जून से जुलाई काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बीज की बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बीज की बुआई हम अलग अलग विधियों में करते हैं, समतल विधि द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, कूट विधि द्वारा कर सकते हैं, फरो मेथड द्वारा कर सकते हैं, खाई या ट्रेंच मेथड के द्वारा कर सकते हैं, रेनियोगस मेथड के द्वारा कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटिंग मेथड के द्वारा कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग मेथड जो है वो कहां से रिलीज हुआ था? IISR लखनऊ के द्वारा रिलीज किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, IISR लखनऊ के द्वारा ट्रांसप्लांटिंग मेथड जो है वो रिलीज किया गया था। नेक्स्ट हम खाद व उर्वरकों की बात करते हैं, खाद उर्वरक कितने आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट दो प्रकार की फसलें होती है इसमें। ठीक है, अधसाली या पूरी साली। ठीक है, तो इसमें या तो हम ले सकते हैं कि 90 से 110 नाइट्रोजन, 180 से 300 फास्फोरस और 180 पोटास ले सकते हैं, या अधसाली के लिए 120 से 150 केजी नाइट्रोजन, 60 से 80 या 60 केजी पोटास काम में ले सकते हैं और 30 से 60 उसमें कैल्शियम काम लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी उर्वरक हैं सभी को हम एक साथ दे देते हैं। नाइट्रोजन को तीन भागों में देते हैं। कब कब देते हैं? फर्स्ट हम देते हैं नाइट्रोजन को बुआई के समय देते हैं, फिर उसके बाद में फुटान के समय देते हैं और फिर 120 दिन पर हम नाइट्रोजन को देते हैं। गन्ने के लिए जलमांग कितनी आवश्यक होती है, या फिर सर्वाधिक जलमांग जो होती है, वाटर रिक्वायरमेंट है, वो किसकी होती है? गन्ने की होती है। और कितनी आवश्यक होती है? 1500 से 2500 mm। ठीक है, 1500 से 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट इसके लिए आवश्यक होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कौन कौन से किस किस स्टेज पर हम देते हैं इरिगेशन। जो देते हैं वो चार स्टेज पर दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट है अंकुरण स्टेज पर दे सकते हैं, सेकंड है फॉर्मेटिव स्टेज पर देते हैं। इरिगेशन की स्टेज है क्रिटिकल स्टेज, याद रखना, अंकुरण जर्मिनेशन स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैच्योर स्टेज, इन चारों स्टेजों पर हमें गन्ने में सिंचाई देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या काम में लेते हैं? एट्राजीन या सीमाजीन काम में ले सकते हैं या डाईयूरिन काम में ले सकते हैं। ठीक है, एट्राजीन या सीमाजीन कितना काम में लेते हैं? 2 केजी पर हेक्टर काम में लेते हैं जो अंकुरण से पहले देते हैं, और डाईयूरिन 2.5 से 3 केजी काम में लेते हैं जो अंकुरण से पहले देते हैं। क्लियर, उसके बाद गन्ने के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की जाती है, एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया की जाती है जिसे हम बोलते हैं अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई क्या होती है कि गन्ने की जब बुआई करते हैं, गन्ने की बुआई से लेकर गन्ने के अंकुरण के जो बीच का समय है, गन्ने की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले खेत के अंदर से खरपतवारों को नष्ट किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंधी गुड़ाई, खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। और इन खरपतवारों को हम रसायन के द्वारा भी नष्ट कर सकते हैं, जो रसायन काम में लेते हैं वो रसायन हमारा पैराक्वाइट। ठीक है, पैराक्वाइट खरपतवार नाशक काम में लेकर भी हम उसको अंधी गुड़ाई में काम में लेते हैं।
नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रक्रिया आती है वो है प्रॉपिंग। ठीक है, प्रॉपिंग क्या होती है कि गन्ने को ऊपर से हम बांध देते हैं कीटों से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए या आंधी तूफान से बचने के लिए हम गन्ने को ऊपर से बांध देते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रॉपिंग बोलते हैं। और गन्ने के अंदर अर्थिंग अप की प्रक्रिया भी की जाती है, ठीक है, मिट्टी भी चढ़ाई जाती है। परिपक्वता के लिए क्या करते हैं, परिपक्वता के लिए पोलारिस रसायन काम में लेते हैं या ग्लाइफोसेट या एथोकोन का हम छिड़काव करते हैं उसमें परिपक्वता लाने के लिए। ठीक है, गन्ने की जो परिपक्वता है किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, गन्ने की परिपक्वता रिफ्लेक्टोमीटर, याद रखना दोस्तों, रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसमें हम ब्रिक्स रीडिंग देखते हैं। और ब्रिक्स रीडिंग जो होती है वो कितनी होती है, 16-18 ब्रिक्स रीडिंग होनी चाहिए। गन्ने की परिपक्वता के समय 16-18 ब्रिक्स रीडिंग का मान आना चाहिए तो गन्ना परिपक्व है। दूसरा इंपॉर्टेंट है परिपक्वता की, गन्ने के तने से धातु जैसी मेटेलिक साउंड आनी चाहिए, धातु जैसी साउंड जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट्स ज्यादा याद रखना है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं रोगों के बारे में, बात करते हैं कौन कौन से रोग लगते हैं। ठीक है, तो गन्ने के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट रोग है वो है लाल तना सड़न, रेड रूट ऑफ शुगर कैन डिजीज लगती है। ठीक है, रेड रूट ऑफ शुगर कैन डिजीज लगती है, जिसमें क्या होता है, विशेषता क्या है कि गन्ने का तना जो है अंदर से लाल हो जाता है और उसमें एल्कोहल जैसी गंध आती है। इस पॉइंट को याद रखना, एल्कोहल जैसी गंध आने लगती है। दूसरा डिजीज क्या है, दूसरा रोग क्या है, ग्रासी शूट डिजीज भी है, ग्रासी शूट ऑफ शुगर कैन। यह रोग किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, इसमें पौधे जो होते हैं वो पतले रह जाते हैं, है ना। तीसरा जो रोग है बोनापेडी रोग, रेटूनिंग रोग, जो रेटूनिंग क्रॉप में होती है, विषाणु के द्वारा होती है, वो किसके द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से ये अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कीटों के बारे में बात करते हैं, कीट कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो इंपॉर्टेंट कीट है वो है स्टेम बोरर। ठीक है, तना छेदक या शीर्ष छेदक, स्टेम बोरर या टॉप बोरर जिसको हम बोल सकते हैं। ये क्या करता है, तने को अंदर से खाता है, उसको खोखला कर देता है और डेड हर्ट वहां पर बनाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीट है इसका पायरिला, जिसको हम फुदका बोलते हैं। यह अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक फसल को नुकसान पहुंचाता है और फसल में क्या करता है, शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है, छोड़ता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोड काम में लेते हैं, पायरिला के लिए, फुदका डीजी, फुदका इंसेक्ट के लिए। क्लियर है। उसके बाद गन्ने की गुणवत्ता की बात करते हैं, इसमें गुणवत्ता में क्या होती है, तो जूस की मात्रा 70-80% होती है, इसमें सुक्रोज की मात्रा 10-12% होती है, जूस में चीनी जो है वो 8-10% होती है, गन्ना जो है वो 11% और मेलासिस जो है वो 3% प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं बाय प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बेगासेज बाय प्रोडक्ट होता है जो ईंधन के काम में आता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्री वगैरह में हम काम लेते हैं गन्ने को एज ए फ्यूल के रूप में, तो ईंधन के रूप में काम आता है, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं बेगासेज। ठीक है, शराब बनाने के काम में आता है, उसे बोलते हैं मेलासिस। और क्षारीय भूमि को सुधारने के काम में आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेसमेड। ठीक है, प्रेसमेड आपने अगर ध्यान हो तो 12th एग्रीकल्चर में पढ़ा था, 12th एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री की बुक में आप जब अम्लीय मृदाएं क्षारीय मृदाएं पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ते थे अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूना, जिप्सम, जिप्सम चूना पदार्थ। ठीक है, काफी सारे याद आ रहा है, नहीं आ रहा, उसमें हम प्रेसमेड भी लिखते थे, तो सोचते थे यार ये प्रेसमेड क्या है, तो वो प्रेसमेड, ये प्रेसमेड है भाई साहब। ठीक है, तो क्षारीय भूमि को सुधारने के काम में लिया जाता है, इसमें 1-3% फास्फोरिक पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है प्रेसमेड में, अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, इसीलिए वो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उपज की बात करते हैं, तो 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर एक साल वाले गन्ने से प्राप्त होती है, और अधसाली गन्ना जो है उसे 1000-1200 क्विंटल अधसाली गन्ने से उपज प्राप्त होती है, यील्ड प्राप्त होती है। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया। आज की हमारी जो क्रॉप थी गन्ने की, वो क्रॉप हमारी एकदम से कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। यदि आपको सभी को समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल सही कहा, सीरा वे प्रेस मैडम पढ़ देते इसको, है ना, बचपन में, बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, हमारी क्रॉप कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, वरना हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, क्लास अच्छी रही, आज की मेजर क्रॉप है। वीडियो को लाइक नहीं किया है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर देना, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो लॉग इन करके कमेंट किया करो, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ लिया करो, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, ताकि लैब में आने वाले जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं और भी बढ़े, उनकी संख्या बढ़े। जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। सभी का सही चला, सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़कर, काफी बच्चे आए आज। ठीक है, इसी प्रकार से लाइव क्लासेज को अटेंड करते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ में, लगे रहिए, पढ़ते रहिए।
जिन जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट आप कर ही रहे हो जल्दी से यस कर दो, ठीक है। ओके चलिए क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद आप सभी जुड़े रहे इसके लिए, आपको दिल से धन्यवाद। टेस्ट होगा, जी हाँ नीलम टेस्ट होगा, कल 2 बजे होगा टेस्ट, जिसके अंदर ये शुगर केन के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। और कल टेस्ट जो होगा वैसे वो हॉर्टिकल्चर का टर्न है ना, कल हॉर्टिकल्चर का होगा, आप सभी को रिमाइंडर दिला दूं, कल जो टेस्ट होने वाला है हॉर्टिकल्चर का टेस्ट होगा। तो आप सभी हॉर्टिकल्चर में जो अभी तक पढ़ा दिया उसको पढ़ के आना, उसका बेसिक क्वेश्चन लेंगे पहले, फिर उसके बाद में हम करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, हैव ए गुड डे।